हक़ीक़त में माहौल रहो हो मां जॾहिं स्कूल में पढ़ंदी हुअसि त हिते घणो करे नोटिस बोर्ड में लेख विझंदी हुअसि पोइ मुंहिंजे माउ मूंखे कॉलेज पढ़णु न ॾिनो ॿ साल पोइ साधु वासवाणीअ सेंट मीरा कॉलेज खोलियो ऐं उहो एफिलिएट कराई बनारस यूनिवर्सिटी सां त मूं उहो कॉलेज जॉइन कयो पहिरीं त 80 छोकिरियुनि में शामिलु थियूं पर टे महीने में ई 40 थी वियो 20 थी वियो पोइ 4 बचियूं तव्हांजी कहाणियूं बि मक़बूल आहिनि केॾो मान आहे असीं चऊं था त भॻवान टिनि रूपनि में विरायल आहिनि ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्मा क्रिएट करे थो पर क्रिएट करे थो त भितर जेकर थो क्रिएट करे उनखे वरी साणंदियूं था सरस्वती सरस्वती कला जी देवी यानी इंसान जेकॾहिं ॼमे त उनमें कला हुअणु खपे कंहिंखे लिखण जी कंहिंखे ॻाइण जी कंहिंखे नचण जी ॿियो असां भॻवानु ठाहियो आहे विष्णु उन विष्णु भाई पालना करे थो पर पालना कीअं कंदो आहे तन ख़ाली सां आहे लक्ष्मी ॾियूंसि था भरिसां त वरी उहा असीं एॾी इज़त ॾियूं था तंहिंखां पोइ असीं शिव चऊं था मारे थो मारींदो कीअं जेकॾहिं ताक़त ई कान हूंदसि तंहिंजे करे पार्वती शक्ति ॾींदसि उनखे त असीं देवियूं ऐं दुर्गा माता हिकिड़ी शक्ति जेका आहे दुर्गा काली उहे नाला उनखे ॾेई तमामु घणी इज़त था ॾियो स्त्री खे पर हक़ीक़त में जेको वहिंवार असांजो जीवन आहे तंहिंमें उनखे अलाए घटि छो था सम्झूं ईअं ज़रूरु हूंदो त तव्हां कुझु लिखण खां या चवण खां हटकिया हूंदा या कंहिंजे लाइ ज़ाती रंजिश बि तव्हांजे मन में हूंदी के माण्हू बि तव्हांखे न वणंदा हूंदा किन खे तव्हां बि न वणंदा हूंदा हाणे हुननि खे माफ़ु करे छॾियो या अञा मन में रखी वेठा हाणे सच ॿुधाया मां पुठी थी आहियां ऐं मूं में ताक़त घटिजी वई आहे हाणे मुंहिंजे मन में जेको विढ़ण विढ़ण जो ख़्यालु आहे सो उथे ई कोन थो मां कंहिं जो ख़्यालु थो थिए ॿियो त थिए न कुझु हा ॼण जो बि ख़्यालु अचे थो न पर मुंहिंजो हथ बि पूरी तरह हाणे कोन हलंदो आहे अखियूं पूरीअ तरह कान नज़र विझनि पढ़ंदी ॾाढो मुश्किल आहे मुंहिंजे डॉक्टर चयो आहे त लिखणु शुरू कर थोरो थोरो लिखो न त हथ पोइ वेही वेंदो त थोरो खणी लिखां थी पर मुंहिंजो ख़्यालु मग़ज़ु ऐं हथ गॾु हलंदो आहे इन करे कणी केतिरनि माण्हुनि चयो आहे रिकॉड कराए तुंहिंजी भेण लिखंदी वञे तूं चवंदी वञे ईअं मूंखे नथो अचे त मां सोचां बि ऐं लिखां बि ईअं नथो अचे सोच ऐं हथ सां मां लिखां ॿिए खां लिखायां इहो कमु मूंखे नथो अचे मुंहिंजे मन में अञा कई ख़्याल आहिनि राति जो सुम्हां अनेक ख़्याल मुंहिंजे मन में ईंदा आहिनि सिंधीअ लाइ हीअं कयां सिंधीअ लाइ हीअं कयां पोइ कॾहिं कॾहिं ख़्वाबु बि ईंदो आहे अहिड़ो त हाणे लड़ां वेठी कंहिं माण्हूअ सां पर कंहिं ख़ासि माण्हूअ सां मुंहिंजो रंजश कोन्हे अञा पर नंढनि जे लाइ हिते न फ़क़ति पर परॾेहनि ते बि नंढा तव्हांजे अञा ताईं बि निहारींदा आहिनि हा दादी असां लाइ कुझु चए हा पर उहो मां सम्झा थी हाज़ुरीअ ते मदार रखे थो मां सिंगापुर में वियसि त मूं हुते सिंधी क्लास खोलिया त हुते अहिड़ी शौक़ सां सिंधी हुते सभा हुई हिकिड़ी इंस्टिट्यूशन तंहिं यकदमि सिंधी क्लास शुरू कया जंहिंमें चयूं 5 साल खां वठी 5000 साले जो माण्हू बि अची सघे थो ज़ालूं ईंदियूं मर्द ईंदा जेतिरो वक़्तु मां उते हुअसि त सिंधी सिखंदमि त ख़ुशीअ सां तमामु सिखंदा हांगकांग में मूंखां त स्टूडेंट्स मूंखे घणनि ई लेक्चर लाइ ॾिनऊं त लेक्चर ॾे त उहो तोखे ॿुधनि त पहिरियों सुवालु पुछंदा त असीं सिंधी छो आहियूं असांजो नको सिंधी आहे कन या चपु सिंधी आहे सिंधी छो आहियूं पोइ उनखे चवणो पवंदो सिंधु आया आहियूं त घणो करे जवान जेके आहे से चवंदा त सिंध ते छॾे छो आया इज़त जे ख़ातिर वरी छॾे आयासीं ऐं राजनीति किसो सोई ग़लति हो मुंहिंजे चवण जो मतिलबु आहे विरहाङे जो बेसिस सो ग़लति हो
छाकाणि रिलीजन ते मदार रखी हिंदू ऐं मुस्लमान में फ़र्क़ु रखी पाकिस्तान उन्हनि जोड़ियो। ईअं त असांजे हिंदुस्तान में क्रिस्तान आहिनि, पारसी आहिनि, पोइ सभिनी खे टुकड़ टुकड़ ॾियां हिकिड़ो हिकिड़ो स्टेट ठाहे ॾिबो छा धर्म ते रही। सभिनी मुल्कनि में सभु कंहिं मज़हब जा माण्हू रहंदा आहिनि, हिंदुस्तान में बि सभु कंहिं मज़हब जा माण्हू रहनि। मुल्क त हिकिड़ो हुजे न, मुल्क छो फिरियल ॾिजे। असां इहे दिलि सां साॾींदासीं ऐं तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। पोपटीअ ज़िंदगीअ खे टहक ॾींदे ललकारियो। संदसि जुरियतमंद टहकड़नि केतिरा ई बंदि दरवाज़ा ऐं दरियूं खोले छॾियूं। जॾहिं उहे टहक संदसि कलम जो आवाज़ु बणिजी ॿाहिरि निकिता त समाज में स्त्रीअ सुख जो साह खयो ऐं पाण खे खुलासो भायो। सुंदरी उत्तमचंदाणीअ खे नंढिड़े हूंदे खां ई साहित में चाह हो। बम्बईअ में एजे उत्तम सां गॾु अची पहुती सिंधी साहित्य मंडल में, जिते केतिरा ई जूना ऐं नवा लेखक पंहिंजियूं रचनाऊं पढ़ंदा हुआ। माहौल मां उत्साह मिलियो, उत्तम पिणु हिमत ॾियारी। ईअं ॾिसंदे ई ॾिसंदे सुंदरीअ पंहिंजे पहिरें नॉवेल किरंदड़ दीवारू सां पंहिंजी जाइ जोड़े वरिती साहित्यिक खेत्र में। संदस घरू इस्तिलाही ॿोली सभिनी नकादनि जो ध्यानु छिकायो। नॉवेल ॿियनि ॿोलियुनि में पिणु तर्जुमो थियो। सुंदरी तरक़ी पसंद धारा सां जुड़ियल आहे। हिन ज़नाने सुभाउ जी ॾेखा परस्तीअ ते चोट कंदे ज़ाल ऐं मुड़ुस जे विच में विश्वास ऐं बराबरी ऐं समाज जे शफ़ी मुलनि ते ज़ोर ॾिनो आहे। हिन उमिरि में पिणु हूअ सबल कलम मज़बूतीअ सां झले तेज़ हलाए रही आहे। हीअ आहे साहित्य अकादमी ऐं गौरव पुरस्कार सां नवाज़ियल सुंदरी उत्तमचंदाणी। सुंदरी, तुंहिंजी महिरबानी जी जो तो वक़्तु कढियो हिन मुलाक़ात जो। सालनि खां पोइ तोसां गॾिजाणी थी आहे। इहो मौक़ो आहे त असीं अॼु तुंहिंजे साहित्यिक संसार में कुझु जाती पायूं। तोसां रिहाण करण जी दिलि आहे। पहिरीं जेकर पुछां मां त विरहाङे खां पोइ तुंहिंजो
साहित्य जोहर जाहिर ए खबर मानन के पे तुंजे देन जी तुंजे रचना जी तुंजे साहित्य जी विरांगे खा अग जेको जीवन तुंजो हो जेका तुंजी तालीम हुई जेको तुंजो विद्यार्थी जीवन हो या बियो जेको नंडो संसार हो उनते कुछ रोशनी विझी सकनी सचमुच साहित्य के मुझी जेका रचना आई है से बराबर आई विरांगे खा पो है विरांगे खा अग में मां एकरी साथी मैगजीन जी एडिटर वस त उन्हीं में फकत एक प्रश्न रचना जो तर्जमो बहादुर मां जी बहादुर दिए वो तर्जमो करे दिनो कहानी हुई ए पो छा हो त मुझे चौधरी रचना संसार जो सागर हो जो लहरू पे मारिंदो मुझे चौधरी माहौल ही एरो जो मुखे इतरा किताब पढ़ने लाय मिलिया सी घर में पेंजे डाडन मानवान जो किडियो कठियो थेल छौ उनन जे पान में वेई गालियों करन आखानी बुधान यो एकरो अजीब एकरो माहौल हो जमा तो के उत्साह मिलियो ए बड़ी तेखा पो असा जदी बर्मा मा मोटेस पे मा नंदी अस 67 साल जी त उनी वक्त असा डाडियो रासलीलाऊ रामलीलाऊ तीर्थन ते दिछु असें माँ पी डाडो ट्यूशन से संग वठी लिया ए ये जो असि दिसी असि ओई वरी असा घर में जी दिखाण दिखण लगा सी छो त असा जो घर ओ मीरन का खरीद के तमाम बड़ो घर ओ सो ये लगन हो जन नट घर जते सब जड़ी टिकल हुंदी असा जो सोटू त असा तो जन ऑडियंस मिली वेंदी पो असि बई भेनरन के नाच गाना रास लीलाऊ मां जमना बैठा दिखाणदा सी तेखा से अमी जी जो को भाव घनश्याम वो बसंत ले चौधारी चादरन जा पर्दा टंगाए बैठो नाटक नंडा नंडा कराई दो असा तेखा पो आखाणी बुधाण जो ढंग जो मुझे पी के हों सो बिल्कुल अनुखो हों असल आखाणी पेट में पैजी वे ये लगी जो हाँ ये आखाणी माँ उन तरह भी बुधा सकें तेखा पो शहनशाह तो आखाण जो असो जो भाऊ हरि सुंदर आखाणी बुधाई वो तेखा पो वरी हुई मुझी माँ देवी धर्म की माँ वो मुख्य वी हल्दी पहलाजपुरी में या सत्संगन में ए उते जो मांसी संगीत से गड साहित्यिक रचनाओं जहा अजीब अजीब गाना बुधन में मिलंदा तो मुझे सजो शरीर ही संगीत में अची वो मुख्य लगे तो इका नंढे हूँ जी मुख्य साहित्यिक देन मिली सा मुझे शरीर में रचनात्मक पैदा कर तेजी माना न फकत साहित्यिक रचना में तुझी रुचि रही पर कला के तरफ भी तुझो लाड़ो नंढपण का वी बराबर हाँ जैसे तू साहित्य रचना इतने कई विरांगे का उन वक्त सिंधियों की हालत या हुई तो उ रोजमर्रा के संघर्ष में ढा मशगूल हुआ रोजमर्रा जहाँ मसैला सुलझाने में मशगूल हुआ अड़े दुखे वक्त तोखे साहित्यिक रचना जो शौक़ कि जागो साहित्यिक रचना तो हाँ आखाणी लिखण पढ़ने जो मुख्य शुरू का बिल्कुल नंढे टैगोर वगैरह शरद चंद्र वगैरह जो एतरा एतरा किताब पढ़िया बया कड़ा तो कड़े जा किताब पढ़िया विद्यार्थी जीवन में कड़े लेखकन जा टैगोर शरद चंद्र तो जन्मी के जीवन में समाया पाया तेखा पो जेके अंग्रेजी राइटर्स शेक्सपियर वगैरह जो किताब तर्जमो थल घनी सिंधी में अक्सर मु सिंधी में पढ़ा अंग्रेजी में फकत शेक्सपियर जो कुछ आखाण पढ़ी हुई बया बर्नाशा थोड़ो घो कुछ पढ़ो हो पर ये जो कहानियों पढ़ल हुई से मुझे दिमाग में अगमें हुई तो शायद एक ढी जरूर रचना कदस जरूर कुछ लिखण ला मुझे मन में तरफी रो तो जै वक्त अड़ा दुख्या मसाला अची वह सिंधी समाज के तै वक्त नेचुरली उन मसाल के हल कर कलात्मक ढंग मैं मानू जे रचनाकार जे माने में पैदा थन था एमा के आखाणी लिखण लगस भला तोखे लिखण मेल या लिखण जे लाए घणे में घणो उत्साह किथा मिले घणे में घणो उत्साह त एक तो पेंजे उत्तम मा मिलंदो यो तो चौधारी पखरेल एडी वडी बेअंदाज दुनिया है बराबर जे जा अजीब अजीब कारनामा नजारा रोज रोज दिसंदा रहूं था जेके जेके चित्र मन ते असर छदिन था उई कुछ न कुछ उन ते लिखण जो शौक जागे जागी तो नेली तुंजा जेके करदार आहन से घरू जीवन मा घणा निकतल आहन
ऐं उहे माहौल बि उहो खणी था अचनि। हाणे उहे किरदार ॾिसंदे तोखे लिखण जो शौक़ु थियो या तूं लिखंदी हुई ऐं उहे किरदार पोइ पाण मुरादो तुंहिंजे कलम मां उनजो चुट निकिरंदो हो? किरदार जो त पाण मुरादो चुट निकिरे थो, पर ईअं आहे त किरदार खे हिकु लेखक खे घुरिजे त जहिड़ी तरह फिल्मुनि ऐं टीवीअ जे किरदारनि खे मेकअप करे चिमकायो वञे थो, तहिड़ी तरह कल्पना ख़ुदि उन्हनि खे ॼण चिमकाए पीआरींदी आहे। न त उहे घर में किरदार ॾिसंदे त जेकर एतिरो हड़बो न जेकर माण्हू खे असरु कनि, पर ख़ुदि रचना में मां ख़ुदि जॾहिं ॾिसंदी आहियां उहे किरदार खॼी ईंदा आहिनि त ख़ुदि मूंखे पिया वणंदा आहिनि। इहो बिल्कुलु स्वाभाविक आहे त न फ़क़ति कल्पना जो साहित्य संसार में हिसो आहे पर उनजी सजावट बि ज़रूरी आहे। मतिलबु तुंहिंजी ॿोली ख़ासि तौरु जंहिंजी घणी सारा आहे त उहा घरू माहौल खणी आई आहे, घरू इस्तिलाह खणी आई आहे। इहो ॿोलीअ जो इस्तेमालु सो तो किथां सिखियो या माहौल मां तो हासिलु कयो जेको तुंहिंजे कलम जे ज़रिए ज़ाहिरु थियो? ॿोली जेका चौधारी में जे माहौल मां मिली, पर घर ॿर असांजो अहिड़े क़िस्म जो हो जंहिंमें अक्सर सुठी ॿोली जी हिकु सिट कोई ॻाल्हाईंदो न त ॾाढी वाह वाह पवंदी हुई। सुठा सॼो ॾींहुं चर्चा मस्करियूं, सुखियो घरो सुखियो, जंहिंमें सॼो वक़्तु आखाणियूं किन फिल्मुनि जूं ॻाल्हियूं अहिड़ी तरह हलंदियूं हुयूं जो जिते ॿोली जो घणो असरु हो, पर ख़बर कान पवंदी त ॿोली मां कैद पई करियां या सिखां पई। बाक़ी ॾिसंदी हुअसि मुंहिंजी ॾाॾी, मुंहिंजी माउ अहिड़ा पंहिंजे वरी घर में ससु सहुरे घर मुंहिंजी ससु बि अहिड़ा पहाका ऐं सलाह ॾींदी जो मुंहिंजो त अकुलु चक थी वेंदो। सची ॻाल्हि, ॾाढो सुठो पंहिंजी ॻाल्हि खे पूरो पुख़्तो करण लाइ हुननि खे ॾांहुं मिलियल हो, हुननि खे का ॾात मिलियल हुई। या मां ॾिसी अॼु बि चवां थी त मुंहिंजी सिंधी ॿोली ॾाढी शाहूकार ॿोली आहे, जबड़ी ॿोली आहे। बराबरि, ऐं उहा असांखे अॼु बि जेकॾहिं सिखणी हुजे त पंहिंजे ॾाॾियुनि नानियुनि चाचियुनि मामियुनि खां असीं सिखूं सघूं। हाणे तुंहिंजो शख़्सी ज़िंदगी बाबति उत्तम सां तुंहिंजी वाक़फ़ियत कहिड़े नमूने थी ऐं तव्हांजो गॾजण कीअं थियो? बसि असांजो मूंखे जो आखाण लिखण जो शौक़ु वरी पढ़ियमि उत्तम जूं आखाणियूं त मूंखे ॾाढी उत्तम थी वई। भला उनजे पोशाक पहिराव जो असरु थियो या उनजे ॻाल्हाइण जे नमूने जो या उनजे लिखणियुनि खे पढ़ी तो ते असरु थियो? हू त जेल में वियो, पर मां जेल में उन ॾींहुं न वञी सघियसि छो मुंहिंजे घर में मुंहिंजी भाजाईअ ॿिनि ॿारनि खे जकनि ॿारनि झारनि ॿारनि खे जनमु ॾिनो हो। त मुंहिंजे भाउ मूंखे चयो त तूं जेल में वञी तंहिंखां बहितर आहे त तूं घर में शेवा कर, शेवा त शेवा ई आहे न, मुल्क जी शेवा आहे त पंहिंजे घर जी शेवा हुनजो तोते आहे ॿार आहे। पर इहे जेके असांजूं ॻाल्हियूं त पोइ जूं, पर हिते जेको उत्तम लाइ जेको मूंखे उत्साह पैदा थियो सो घणो संदसि आखाणी पढ़ी। अच्छा, ॿियो पोइ त ईअं बि लॻो त भई ख़्याल बि हिक ॿिए जा साॻिया आहिनि। हुनजी हिकिड़ी आखाणी लिखियईं त भई ॾेती लेती त असुलु न वठणु खपे, बिजली ऐं बादल, उन त मूंखे ॾाढो मुतासिर कयो। मां ख़ुदि ॾेती रेती बखला हुअसि, मां चवंदा ॾेती रेती बि न वठिजे ऐं हड़बड़ छो छोकिरनि जे माइटनि खे छो दुखी कजे, मणिया बि न पाइजनि, अजायो रेशमी कपिड़नि हिननि हुन लाइ अजायो पाण खे, उन्हनि खे दुखी न कजे, उन्हनि खे ख़र्चाऊं ख़र्च न कराइजनि, ॾेती रेती न वठिजे त छा आहे। तुंहिंजा ॿ नावल निकितल आहिनि, हिकिड़ो किरंदड़ दीवारूं पहिरियों ऐं ॿियो प्रीत पुराणी, उन खां ॿाहिरि थिए लॻो, तोखे उन बाबति छा चवणो आहे? छा उहो उन वक़्तु तरक़ी पसंद धारा बि ज़ोर हुई ऐं इनकलाब जेको रशिया में थियो हो मज़ूरनि जी हलचल जो ज़ार खे मारे छॾियो हुउं उहो बि कामयाबु हुयो। उनजी कामयाबी एॾी हुई जो हाल त ईअं पियो लॻो त ॼण बसि हाणे जल्दी अहिड़ो इनकलाब अची वेंदो जो हर संसार जे हर कुंड में मज़ूरनि ऐं पीरियलनि जो राज थी वेंदो हली ऐं जेके तमामु ॾाढ कंदड़ आहिनि ज़ालिम आहिनि उन्हनि खे हू दॿाए छॾींदा। पर अलाए किथे इंसान खां ग़लती थी जो उहो राज ख़ुदि रशिया में बि अॼु कान था ॾिसूं। उन राज जी ॾाढी वॾी महिमा हुई जेका भले मूं हिन नावल में ॿियो बि हिकिड़ो किरदारु चित्र चिटियो हो किरंदड़ दीवारुनि में
जैमें सिंध का आयल छोकरियों पेंजी चौधरी वाली मां निकली पेंजी घर जी आर्थिक हालत सुधारण ला मिसाल तो पेंजी भूरी जगह कहानी हुई वहा भी हां जेका वडा घराणी छोकरी विनांगे खा पोए हेती अची मेहनत मजदूरी करे थी बराबर एड़ो बियो को बट काफी करदार हुआ तुजा जिन यो यो रस्तो देखारो सिंधी जालुन के त मेहनत मजदूरी करयो पेंजन साथिन सा वहां बेली थी बियो यो ही पेंजे घर जे आर्थिक हालत सुधारण जो जरियो थी बराबर ए तका पो जका बे नावल में जका आखरी खास गाल हुई त भई एक छोकरी बे मर्द के शादी कयल मर्द के नाकारे थी पिटो करे भले वो केतरो बन के प्यार दिखारे पर वो उनके नाकारे थी पिटो करे इहा गाल अज भी मां चाहंदी केतरन डुतरेलन छोकरन के एक राह रोशन दिखारे थी त तई पेंजे पेर ते कायम रहो हरुभर के घर न पिटा मन तुजो यो ही मकसद रहो त स्त्री आर्थिक तौर ब आजाद रहे ए मर्द सा कुलो कुले में मिलाए हले यो त गाल जते के सही मन तुजो मकसद जेको स्त्री एके चिटण जो नारी जो चिट चिटण जो जेको मकसद तुजे रचनाओं में रहो आहे सो यो रहो आहे या को बियो रहो आहे ना यो ही रहो बिल्कुल यो भला तुजा नावल जेके ब निकता है उनवा तोखे पेंजो केड़ो नावल पसंद आ पूजा न मके तो बई पसंद न बिनी आ करदार बुझा वा त केतरा सुठे हैं तने कुछ के किरदार लाए मोह के किरदार लाए वधिक लगा ना 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 जिसो जो प्रीत पुरानी हो वो जदे एक ताजी का माटानी आई मखे थी चई त मा सजी रात पे सोचो त मा पान के मारे छदिंदस किए मा प्रेम में नाकाम थिया त मा पान के गेराए पिटो कंदस पर खनी आई मुझे नावल थी मुके हाथ में नहीं जी तो मुके बचाए छजो ओहो यो तो वडो वडो मकसद जो मुके आज बचाए छजो ए अजा ताई ओ जियरी है पेंदा उने के पुट पोटा थी एनली मुके इही खुशी है वाह वाह या डाडी सोठी गाल हाने तो पहला साल लगातार लिखियो जे मुचे ओ नव कहानी जा मजमुआ ब नावल लिखया पर कुजल थोरन साल नखा तुझे लिखण की रफ्तार थोड़ी घटती वही है यो छो लिखण की रफ्तार कुछ बीमारियों के करीब घटी बयानवे में जो 1990 में उनके राजीव गांधी के कत्ल कर हुए उन्हें एक मुख्य अर्धांग थी पो अर्धांगवे में जो इमेजिनेशन के हेलुसिनेशन की शिकिल मिली वही हली दादी मुख्य तकलीफ थी या मन की एकड़ी दादी दुखी स्थिति थी है जो मानू महसूस करे दिसे जेका गाल उन मेला नथी थे उआ ब मानू जको इमेजिन करे या दुखी स्थिति थी दिया बराबर वरी भी शुक्र जो मुझे धी के अकुल आओ जे उनन हेलुसिनेशन जे पैमाने मा मके कढण ला मके जोरी चई जे के तिन चंगो बिया नओ कुछ न लिखी अगियो जको उतन जो कुछ माल पियो है उने के कढ उने मा ब अखण जा मजमुआ एकरो कविताओं जो मजमुओ होगा होगा उने मा ठई है तुजे होगा जी डाडी सारा है ए डाडो सुहणो सुटो सिबाय तो मजमू है नसी नज़मन जो मी जो डेरो थे दे रोज उने मा जी वचन वठी जे बराबर वचन वठी पढ़ी करे बाहर निकलनी है डाडो मके खुशी थी है सारा जे खत डाडा सुठा है ए वरी ते का पोब छ साल मु बियो को किताब कोन छप हन वरी अची आशा चढ़ी वे थी सरते भाई कुछ त कर को त किताब चंगो अगे में बाद में छप विच विच में उतम खां के आखाणी झूलेलाल लाइ लिखाऊँ पे पर पा में ढो बिजी रहे झूलेलाल कढ़ी अस बन कम में ढो बिजी रो इन मुखा टे चार आखाणी विच विच में लिखा वही पर बी तरह मुझी बी साहित्यिक देन खास बाहर को आई त आशा वरी अची मुझे मत वेठी तो उतम उनके सहकार दई आत्मविश्वास ये किताब हाने आत्मविश्वास देखो थोड़ा नहीं था निकतो है नावल 13 आखण ओए कहानी जो मजमू निकतो 13 आखण ये सब झूनियो है या इनमें के नयो बन शामिल घणी नयो है घणी नयो है थोड़ी झूनियो है घणी नयो है ही तो जो होगा हां इनमें केतरा टुकरा केतरा नसी नज़म जा टुकरा मुंह रबर पड़या है बोली दाडी सुहणी शायरानी पर इनमें स्त्री जो जको चिट लगे तो उआ स्त्री ढावल डा उनके अन्या पेंजी जिंदगी में कुछ उम्मीद है उनके अन्या का आशा है तो इन पेंजी लिखनी के पहलू ते या इन किरदार के पहलू ते कुछ रोशनी विझी सकन वे दिस नहीं सब जे के टिकाणा धर्मी संसाऊ वगैरह सब छाना है
कदे कै के ढ कोने केत्रो कै के कुछ मिले बार बच्चा सब कुछ हुंदी मके केरी गाल बताई है उन हुंदे मके ढ कोने माना ई एक कुदरती आत्मा जी भूख हो जी मानो में जका कदे पूरी चन वाली का जे मानो के 5 पैसा नो चंदो 10 पैसा मके होजन ते इंसान जो मन जको तृप्त नथो रहे इन करे उनके वधिक वधिक जी तलाश रहे थी ए गोला रहे थी हाने तुंहिंजी रचना जो नई रचना जो पाठकनि खे ऐं साहित्य प्रेमियुनि खे ॾाढो इंतज़ारु आहे तूं ॿुधाए त हींअर कहिड़ी रचना रचण में तूं मशहूरु आहीं हींअर छा हालति थी आहे मां ब्लड प्रेशर जी दवाउनि जे करे या छाजे करे यादगिरी मुंहिंजी ॾाढी घटिजी वई आहे इन करे जेके अॻियां मुंहिंजा किताब आहिनि उहे कॾहिं कॾहिं खणी वेही का आखाणी पढ़ां त पाण वेठी खिलां पाण वेठी हुन सां गॾु रुआ विलायती घोट जी ॻोल्हा कारो घोटु पढ़ी खिल पई अचे ऐं ख़ुशि पई थियां त अहिड़ियूं मस्करी हुयूं ऐं सुठियूं आखाणियूं मूं कॾहिं लिखियूं हुयूं हींअर त ईअं पियो लॻे जन कॾहिं लिखियूं कॾहिं कंहिं ॿिए त कान लिखियूं आहिनि ॼण ईअं पियो लॻे पर उन हूंदे बि मूंखे इहा आहे त लिखणु बंदि नथो थिए लिखण त हिकिड़ी अहिड़ी चीज़ आहे जीअं नांग थींदो आहे न बारूद जो बसि ॿारे खणी छॾीसि पियो भरंदो वियो जेसि ताईं उहो गोल गोल फिरंदा उन जा वकर ठहंदा रहंदा बारूद जा जेसि ताईं उनजो अंदरियों बारूद ख़तमु न थी वञे सो लिखण बि ईअं आहे जेसि ताईं आख़िरी समो न अचे जो अखियूं पूरजी वञनि हिन सुहिणी दुनिया सुहिणे सफ़र खां माण्हू महरूम थी वञे पोइ जहिड़ी लेखिका या जेके कलाकार उनजो रचना संसार मन में त सड़जे पियो पर सिंधी पाठकनि ऐं साहित्यकारनि खे उमेदु आहे त अञा बि तुंहिंजे कलम मां वधीक सुहिणा किरदारु निकिरंदा अञा बि तुंहिंजे कलम मां के नावेल निकिरंदा के कहाणियूं निकिरंदियूं जंहिंजो न फ़क़ति मूंखे असां सिंधी साहित्यकारनि खे पर सिंधी पाठकनि खे इंतज़ारु रहंदो ऐं मूंखे उमेदु आहे त उहो ॾींहुं ईंदो जॾहिं तोखे पंहिंजनि किरदारनि मां पंहिंजनि नावेलनि मां पंहिंजी रचनाउनि मां हिन खां वधीक आनंदु ईंदो इन ई सां अॼु जी मुलाक़ात पूरी करियूं था सिज जो लहण ऐं सिज जो उभरण साॻी ॻाल्हि न आहे सिज त सदाई क़ाइमु आहे सुंदरी उत्तमचंदाणीअ जो अदब पिणु वक़्त जे बंधन खां आजो आहे इंसानु हिकु हयातीअ में केतिरो न हले थो केतिरो न हले थो अम्मा के अम्मा ने नो लो लो
कना प्रकाश पिण बंबई के सिंधी साहित्य मंडल में गभरू शायर मोती प्रकाश के संग में अचण शुरू कयो। मंडल के माहौल ए मंडल के सदर प्रोफेसर एम यू मलकानी के वालदाना कुर्ब ए उत्साह खेस लेखिका बनाए छो। हर कें कला प्रकाश मोहब्बत ए जज्बात जो मुजस्म है, पर संदस लिखणियों हद दर्जे के जज्बात का आजियो आहिन। संदस अदबी दुनिया विचोले दर्जे की समझौतो कंदर ए मजबूरी जो एहसास रखंदर औरत जी आहे। पर संदस मशहूर रचना आहे ममता जो लहरियों, जै हिन के मोहब्बत ए ममता जी मूर्त तौर मशहूर करे छड़ियो आहे। हिन के साहित्य अकादमी अवार्ड मिलियो आहे आरसी आडो किताब ते। हिय आहे कला प्रकाश। तव्हांजे एक एक घर में को लेखक या लेखा कोई छा जंहिंजो तव्हांजे मथां असर थियो हुजे? न रुगो लेखक या लेखिका न हो, पर ठाकुर असांजे घर में साहित्य जी सभु न हुई, को साहित्य किताब बि न हूंदो हुओ। मुंहिंजे पेके घर में गुरु ग्रंथ साहिबु रखियलु हो, जेको मुंहिंजो नानो ऐं मुंहिंजा माउ पीउ पढ़ंदा हुआ। गुरबाणी खां सवाइ वरी मुंहिंजो हिकिड़ो चाचो हो जेको क्विटन जा मूवमेंट सां वाबस्ता हो। उहो रोज़ राति जो असां ॿारनि खे गॾु करे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, हेमू कलाणी इन्हनि जूं जाम ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो हो। वरी 10-11 साल जी थियसि त राष्ट्र सेविका समितीअ जे शाखा में नियम सां वञणु शुरू कयमि। उते वरी जीजा माता छत्रपति शेवाजी झांसी जी राणी सभिनी वतन प्रस्थनि ते बौद्धिक थींदा हुआ ऐं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, चरित्र निर्माण, आरएसएस वारनि वटि उहे वरी भंडार हुआ इन्हनि उपदेशनि जा। ऐं कॾहिं खां लिखणु शुरू कयो? अहिड़ी का घटना हुई जंहिं घटना तव्हांखे लिखण लाइ आमादा कयो? ठाकुर, मां 17-18 सालनि जी हुअसि तॾहिं खां मूं लिखणु शुरू कयो, ऐं जेको थियो उनखे घटना न चवां मां, जेकर उहो मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो हसीन इतफ़ाक़ु हो। जो स्कूली जीवन में ई मुंहिंजी मोतीअ सां मुलाक़ात थी ऐं मां पहिरीं मुलाक़ात में दिलि हारे वेठसि। दोस्तीअ जे दौरान हू मूंखे हर छंछर ते अदबी क्लास में वठी हलंदो हो। उते नियम सां 2 साल वञण खां पोइ साहित्यकारनि जी सुहबत हिकु तरफ़ मिली त मोतीअ जो सुपिनो ॿिए तरफ़ हो त मां लेखिका थियां। अलाए केॾी महिल कलम हथ में अची वियो ऐं लिखिजी वियो मूंखां। मां प्रोफेसर मंगाराम मलकाणीअ जा बि थोरा मञा, हुन मूंखे लिखण जे लाइ तमामु घणो हिमथायो। मां हुनखे पंहिंजो मानसिक अबो करे मञा थी। कला ते कंहिं लेखक या लेखिका जो असरु आहे या उनजी लिखण तव्हांखे पाण ॾांहुं छिकियो? मुंहिंजे मन ते असरु थियो आहे। मां नसुनवी सन सभिनी खे दिलि सां पढ़ंदी आहियां। दादा जगत आडवाणी जेके सिंधीअ में शाहकार आंदा ग़ैर सिंधी ॿोलियुनि मां, उहे बि मूं सभु पढ़िया, तर्जुमा कई ऐं असुलु कोप जेको सिंधी नसुल लिखियो थो वञे, मां दिलि सां पढ़ंदी आहियां। पर मुंहिंजे लिखण ते उन्हनि जो कोई असरु न थियो आहे। लिखण महिल सिर्फ़ु मां आहियां, निज मां, मुंहिंजा वीचार, मुंहिंजी जज़्बात, ॿिए कंहिंजो लिखणियूं मूंखे मुंहिंजे लिखावट में इंफ्लुएंस न कंदियूं आहिनि। इहो ॿुधायो, तव्हांखे साहित्य जी कहिड़ी सनफ़ वणंदी आहे? मूंखे सिंधी साहित्य जी सभ खां वधीक सिंधी साहित्य जी या साहित्य में कहिड़े साहित्य में सभ खां प्यारी सनफ़ शाइरी लॻंदी आहे। पर तव्हां त शायदि आहियो कोन, तव्हां त शायरी कॾहिं कई कोन्हे। मां कान कंदी आहियां, छाकाणि बहवज़न मूंखे कोन अचे। ॾुखियो कमु आहे, बंदिश में लिखां। हा, मूं सिखण जी कोशिशि बि कान कई आहे। अगरि में लतीफ़ घणेई लिखिया अथऊं। आज़ाद नज़म अॼुकल्ह हुन ते घणेई नाला आहिनि, पर दादा मलकाणी हिन खे अदब लतीफ़ चवंदो हो ऐं मां बि जेको आज़ादु नमूने या नज़माणो नज़र ऐं नज़माणो नसुर लिखां थी हुनखे अदब किताब ममता जूं लहरूं हा सभु लतीफ़
सबन में अदब लतीफ हुआ ऐ वडो कामयाब किताब अन्या सु लिखियो वेलो बस बस पढ़ंदड़न के का तमाम घणो पसंद थियो ऐ मखे सच दरन किताब लिखण मेल सुरती न हुई मु बिना सुरत जे वो किताब लिखियो कन्नड़ सुठो लिखी सके हुआ में एफर्टलेसली लिखण मखे पसंद आए मजाकोरी मजबनी लिखण मखे न वणंदो आए पर वो किताब लिखण मेल त मखे बिल्कुल सुरत न हुई मुख्य उन किताब लाइ जेका वॾे में वॾी ख़ुशी थींदी आहे उहा इन ॻाल्हि जी जो मूंखे लखनऊ सम्मेलन में जेको अखिल भारत सिंधी ॿोली साहित्य सभा तरफ़ां थियो हो उन सम्मेलन में मूंखे नारायण श्याम मथां इन किताब ते इनाम ॾियारियो हुयो त नारायण श्याम पंहिंजे सभागन हथनि सां मूंखे इनाम ॾिनो इन ॻाल्हि जी मूंखे तमामु घणी ख़ुशी उन वक़्तु बि थी हुई अॼु बि थी रही आहे मां ईअं बि चई सघां थी त मूंखे साहित्य अकेडमी इनाम मिलण जी एॾी ख़ुशी न आहे छो त मूंखे नारायण श्याम ॾिनो ऐं उन बि ईअं हुनखे बि लॻो त मां हिन इनाम जी हक़दारु आहियां त मुंहिंजे लाइ इहो तमामु उहो तमामु क़ीमती सिंधी जो अज़ीम शायर नारायण श्याम अव्हांजे लिखण में उहो कहिड़ो इस्म आहे जंहिंखे तव्हां मल्हाए थो चई सघे मां जेकर घणी उपटार न करे ऐं इन सुवाल जो हिकु सिट उर्दू जी हिकु शहर जी हिकु सिट में जवाबु ॾियां त मेरा पैगाम मोहबत है जहां तक पहुचे छाकाणि मुंहिंजो इहो वेसव आहे त प्यार जे जज़्बे मां ई ॿिया सभु इंसानी गुण निसरनि निकिरंदा प्यार भरी दिलि कॾहिं बि इंसाफ़ी न कंदी आहे मां कोशिशि न कंदी आहियां त मां इहो पैगाम ॾियां पर मूंखां ईअं थी वेंदो आहे अव्हांजे अदबी ज़िंदगीअ में के अहिड़ियूं के ख़ासि घटनाऊं या के ख़ासि यादगिरियूं जे तव्हांखे रखी रखी यादि ईंदियूं हुजनि उन्हनि मां के ॿुधायो सच पुछो त अदबी ज़िंदगी ऐं शख़्सी ज़िंदगी असांजूं एतिरियूं एतिरी गॾियल मिसियल आहे एतिरा त एतिरनि अदबी शख़्सियतुनि ऐं तमामु कदावर शख़्सियतुनि सां ख़ुशनसीबा मुलाक़ातूं थियूं आहिनि नारायण श्याम तनवीर अब्बासी संगीत में बि आब्दा प्रवीन भगवंती नावाणी गोविंद माली सभु ॼण असांजे घर जा भाती हुआ किरत उत्तम कृष्ण खटवाणी सुंदरी उत्तमचंदानी जेके बि साहित्यकार आहिनि ऐं एतिरा सम्मेलन मूं अटेंड कया आहिनि ऐं एतिरनि पोपटी हीरानंदानी हुन सां आख़िरनि जो समुंड आहे जीअं पंहिंजी निजी ज़िंदगी जूं यादगिरियूं अखुट आहिनि तीअं साहित्यक ज़िंदगीअ जूं बि अखुट यादगिरियूं आहिनि मां नथी सम्झां त उन्हनि जो ज़िक्र हिन मुख़्तसर इंटरव्यू में करे थो सघिजे तव्हां मूंखे विषय ॾेई रहिया आहियो शायदि कंहिंजी किताबु लिखी विधा हिन ॻाल्हि ते घणी आहिनि यादगिरियूं सुठी ॻाल्हि आहे नओं किताबु लिखंदा त हिकु नओं ख़ज़ानो असां सिंधी साहित्य खे मिली वेंदो सिंधी ॿोली ऐं साहित्य लाइ मुस्तक़बिल में तव्हां कुझु सोचियो आहे छा थींदो छा थियणु खपे बेहद गंभीर ॾरो सुवाल पुछो अथव सिंधी ॿोली ऐं साहित्य ज़िंदह रहंदो हिन में मूंखे को बि संदेह कोन्हे पर मुस्तक़बिल जे बारे में अकेलेसि त मां कुझु सोचे ई नथी सघां हीअ सॼे क़ौम जे अॻियां हिकिड़ो सुवाल आहे वॾो सुवाल आहे गंभीर संजीदो जीअणु मरण जो सुवाल आहे असां मरी रहिया आहियूं पर जीअण जूं कोशिशूं जतन तमामु घणा थी रहिया आहिनि इहो मां ॾिसी रही आहियां जीअं तव्हां पारू चावला ऐं तव्हां सिंधू सीताबा में एॾो अथा कमु करे रहिया आहियो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधा लाइ जी आदिपुर में कमु करे रही आहे ॿियनि शहरनि में बि अनेक संस्थाऊं आहिनि जेके अलॻि अलॻि नमूननि सां कमु करे रहियूं आहिनि केतिरियूं नाटक मंडलियूं आहिनि संगीत पेश करण जे लाइ केतिरा प्रोग्राम थियनि था हिकिड़ो वॾो झंडो बुलंद थियो आहे इहा जेका सुजाॻी आई आहे उहा मुबारक आहे ऐं विश्वास थी ॾियारे विश्वास खे वधाए थी हलांक त सिंधी ॿोलीअ खे को बि लहर लोडो कोन्हे तंहिं सवाइ सिंधी संगीत सिंधी गज़लनि सिंधी नाटकनि सिंधी कहाणियुनि जूं घणेई कलाकार पंहिंजे नमूने कसेटूं कढी रहिया आहिनि शख़्सी सतह ते बि त इहे वोकल कल्चर खे हिमथाईंदियूं ऐं सिंधी लिखणु पढ़ण जो जेसि ताईं सुवालु आहे उहा तकलीफ़ ज़रूरु आहे छाकाणि सिंधी मीडियम स्कूल्स हींअर स्कूल न जहिड़ा आहिनि ऐं पर आवाज़ी कल्चर ई असांजे लाइ वाहिद वसीलो आहे
आवासी कल्चर के जेके भी कलाकार फनकार या संस्थाओं हथी डेई रहा है उन तमाम घो दाद लेनो अस पा के अकेल न समझू छो तो सिंध में भी सिंधी भावर उत तो जमीन भी आन डुकन डाखड़ के मुँह डेई रहा पर उत बोली के विजान जो डप को छो तो जमीन बोली जमीन की पैदाश थी है अस वो पा में रिलेशनशिप रखो है मोहब्बत है गहनी अदबी दोस्त की एक बे से खतो किताबत है प्यार जो अजल जज्बो है वो असो साहित्य भी पढ़न था अस उनो आसरो है उनो सहारो है पर सर इन सरजमीन से भी सिंधी कौम सिंधी फनकार सिंधी लेखक बिरादरी जी जीण की कोशिश कर रही है वह बिल्कुल सारे योगी है उतन अजाया न वा हल तो याद हों जैसे शेख आज इतने आयो हो तेरे एक नाटक रमेश जाजान ऐसे स्टेज से सभी सामूँ अस यो सब को कोशिश कर पैदा किया या संभाल सिंध में कोने मां तो कौन होस पर अयाज वो कॉम्प्लीमेंट दिनों रमेश जाजानी के उनको मस्तक हो जाजानी साहब पर एक बताया ठाकुर अस उते था वनू तो असके जो बोली से मोहब्बतू आन तहजीब से जो उनको निभाव है वो ढो प्यारो तो लगे उनके असो कोशिशू वजनदार थी लगन जो दूर का चबो है न शी प्यारी लगती है शायद ये हो तो अयाज जो नालो वरतो ठाकुर मुझे अयाज जो जो नारा शाम से उन लिख्य ये संग्राम बंदूक किए खड़ा ये जो लिखी हुआ एक अड़ी चीज हुई जो नारायण शाम एक दफे मुझो सचमुच प्यार मोहब्बत में इंसान जात में जन विश्वास टुटी रो कि अड़ी हालतू कि अड़ी हालतों में गुजरियो जो रायट्स दिल्ली में अखियन बिठा कतले आम सीसराटू तो चे पे इंसानियत में विश्वास टुटी रो हो पर जै शेख अयाज मुँह से ही नज़्म लिखो तो मुझे वो विश्वास वापस आयो मुझो न इंसानियत न मरंदी कल तो खबर इन नज़्म लिखण करे शेख अयाज के जेल जेल रोकड़ो पो अदीब थियण के लिए शेख अयाज वही कीमत चुकई असा सा मोहब्बत करने जेल में फटका खादई कला अटकल घना किताब निकता है दह बारह हूं अठ नव नावल बखाणियों का मजमुआ एक सफरनामो हाँ बो नव किताब जो लिख लिख चाहिंदा या लिखो पा या छपियन में है एक लिखी चुकी आया नावल नावल तो भाई निकरंदे निकरंदे पूरो कर आई हुस अना वो छपियो को कहानियों लिखंदी आया अद में लतीफ लिखा पी मुझे के नए नमूने इंटरप्रेट करने उनके न रुगो रूहानी शायर दरवेश करे सदन शाह से वही बेइंसाफी है वो वो इंसान दोस्त एक अजीम शायर हो उनके उन्होंने पेश कजे जी अज जो सिंधी भी पा के उनसे आइडेंटिफाई कर सके घर में घर वक्त हकीकत में मुखा सच पुछो तो चाहें थी बाकी साल जिंदगी है तो बो कुछ न लिखी शाह ही लिखा मैं ये चाहें थी वेझराई में सुरखंबात में उठ जो करदार है ढो रंगीन दिलकश करदार 14 बैत है उनमें उनते मुख मजमून लिखो है जल्दी छपाइनस ओ केरो किताब हो जेते ताते साहित्य अकादमी अवार्ड मिलो आरसीआडो हां ये तमाम सुनो किताब हो इंदर पीढ़ी ला को पांडो न्यापो यो बड़ा मानु न्यापा दिन मा पा एडो वो मू नी समझा पर ठाकुर जैसे तो मुझे यो सवाल पूछो है तो मुख्य ख्याल तो अचे तो अस शायर यो लिखी रहा है तो किए विसारा बोली जैमें माओ डनी मुखे लोली पर इन सदी में जेके सिंधी नौजवान औरतू माओर बणबी उए खुद सिंधी न जान उए खुद हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम में पढ़न थी पढ़ियो
त कैडी सिंधी मां पैजे बार के सिंधी में लोली दींदी जे का हूं पैजी न साडीनो यो एक तमाम छिरकाइंदर सवाल है त मां न सिंधी अज का पोए जे के सिंधी माड़ू थेण वालो है पैजे उनन सिंधी बेनरन के इस्तदा दी करा त हिकरो हिकरो रुगो पैजे मन में निश्चय कन त हु जदे माताऊ थिंदियो तदे हु पैजे बचरन के सिंधी में लोली दींदियो सिंधी न जानन इन करे सिंधी लोलियन जी का कसेट तैयार कई वने जे में तमाम सरल सुहणी ए सबा जे लहजे में छका लोली जी सबा जाई ना असन जे परंपरा जो खास हिस्सो है देखे दादी नानी चोंदे हु शल अख में वार न पौंदे शल दुखियो दीन दिसंदे शल कुल जो नाम कढंदे शल कोम जो शान थींदे एक सबा जे लहजे में लोलियूं ठाए उन जी कसेट कढजे पर वरी इते भी को साल तो पैदा थे त कसेटूं तो निकली पवन पर वो पहुंचंदो की उन मारुन ताई उन शौक ही कोने पढ़ियो ही नान सिंधी में यो तमाम दुख कम है जैके अंग्रेजी में मार्केटिंग चो या यो सनिया पहुंचाने जो को जरियो को वसीलो यो दुखियो कम केर खणे का एक अलग सा संस्था करे जेके पैरी किन कमन में जुंबियल है ना एक मानू सब कुछ तो न कर सकंदो ना जे मु कल जो दिन किथे गाय कंदे चयो त असा लेखकन के जेको लिखण का पोए छपाण जी मुश्किलात थी अचे एक्चुअली फनकारन लाइ यो मुश्किलात न होण खपे पर सागे नमूने जेके कसेटू तैयार था कनि या नाटक था ठाहिनि या संगीत जूं कसेटू था भरनि उहे उन्हनि खां वठे केरु थो ख़रीद केरु थो करे ऐं कहिड़ा माण्हू उहे ॿुधनि था कंहिंजे घरनि में कंवर भगवंती नावाणी मास्टर चंद आबदा कवीन जूं कसेटूं कहिड़नि घरनि में ॿुधियूं थियूं वञनि इन मसइले जो कहिड़ो हल आहे लोलीअ जी कसेट त ठहे त इहो जेको मसइलो आहे इहो बि गंभीर मसइलो आहे जंहिंते मां अकेले सां त कुझु नथी सोचे सघां पर मां चाहींदसि ईअं मुंहिंजी दिल्ली तमन्ना आहे त हिकु अहिड़ो इदारो हुजे या हिकु अहिड़ो को वॾो को मालदार ऐं वसीलनि वारो माण्हू शख़्स हुजे जेको इहो कमु करे पाण ते खणे सिंधी में लोलियूं लिखियूं वञनि ॻाई वञनि कैसेट निकिरनि लोलीअ जी त ख़ासि तरह तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त इहे सिंधी कसेटूं घर घर ताईं पहुचनि ऐं नई ॻाल्हि थींदी आहे ऐं उहे जेके हिन सदीअ में सिंधी माण्हू थींदियूं उहे ज़रूरु पंहिंजे ॿारनि खे सिंधीअ में लोली ॾियनि छाकाणि इहा परंपरा शुरू थींदी त पोइ सॻो सुरंदो अॻिते जेका माउ सिंधीअ में लोली ॾींदी उहा अॻिते बि जज़्बो उहो रखंदी इहा मुंहिंजी उमेद आहे ऐं मुंहिंजी दुआ बि आहे अॼु जे मुलाक़ात लाइ वॾी वॾी महिरबानी हेॾो वक़्तु वञाए असां आया असां सां वेठा असां सां ॻाल्हियूं कयूं सदाई वरी भेरो कला ममता जो समुंड हाणे पिण ममता जे लहरुनि सां भरपूर आहे छा लहर ऐं समुंड अलॻि आहिनि इहा पिणु हिकु गुज गुजांदड़ ॻाल्हिड़ी न चइबी जो ख़बर ई न पवे त लहरूं समुंड खां ॿाहिरि थियूं निकिरनि या समुंड में समाइजी थियूं वञनि समुंड जे किनारे वक़्त जी वारीअ ते कला जे क़दमनि जा निशान त रहंदा ई